हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूं आज एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो गाइस, रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। और मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो अच्छा एक्सपीरियंस लेके मार्केट में घूमते हैं और वो मेरे ये वीडियो पे आके कमेंट्स कर रहे कि बस सर, इतनी ही सी सैलरी मिलती है क्या इसमें, मुझे जो है और कहीं ज्यादा सैलरी मिलती है। तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो से लेफ्ट हो जाए, वो वीडियो नहीं देखें। ये जो वीडियो और ये जो जॉब्स जो रहती है उन लोगों के लिए नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितने भी जो वीडियोस और जॉब्स आती है ना, वो जो रहता है एक अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग रहती है। अगर मैं मास्टर हूँ और मैं एक प्रिंसिपल हूँ तो मुझे जो है चपरासी की वैकेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना कहने का मतलब है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वहीं पे जाके दिखाऊं। ऐसा नहीं कि जो है चपरासी की वैकेंसी निकली है, वहां मैं हेडमास्टर का एक्सपीरियंस लेके पहुंचूं और वहां बोलूं कि सर इतनी सी सैलरी बस, तो वहां पे आपको कोई भी काम नहीं है, वहां जाना ही क्यों। इसी तरह जहां हम लोगों का जो वीडियो आता है जिसमें जो सैलरी रहती है ना, वो उन लोगों के लिए रहती है जो जॉब नीडेड्स रहते हैं, जिसको कुछ भी जॉब नहीं है, जो बैठे हैं काफी टाइम जो है घर में बैठे हैं, जो जॉब लेस हैं, उन लोगों के लिए होती है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो गाइस, शुरू करते हैं। एक्चुअली आज मैं आपको जो है बोर्ड पे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो गाइस, आज की जॉब होने वाली है वो किचन स्टाफ की। किचन स्टाफ, किचन स्टाफ की जॉब होने वाली है। ये जॉब जो है मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले जो है अपलोड कर चुका था, लेकिन इसमें जो है आपको एक अलग ही एरिया मिलेगा, अलग एरिया प्लस अलग लोकेशन में। हम लोगों का 2 दिन पहले का जो वीडियो था वो जॉब्स में था आपका जो है टुमकुर लोकेशन पे, वो जो था टुमकुर लोकेशन पर। और आज जो ये जॉब्स का वीडियो है वो रहेगा आपका बेंगलोर लोकेशन में। कहां पे रहेगा? बेंगलोर लोकेशन में। बेंगलोर लोकेशन में केंगेरी एरिया, केंगेरी के नियर बाई जॉब है। अब इसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। टाइमिंग आके इसमें 12 घंटा ड्यूटी होने वाली है इस जॉब में। अच्छे से देखिएगा, 12 घंटा ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा सैलरी अगर आपको चाइनीज फूड में एक्सपीरियंस है, मोमोज बनाना आता है, चाइनीज का कोई खाना बनाना आता है, तो आपकी सैलरी रहेगी 12,000। कितनी? 12,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। आपको चाइनीज फूड या फिर मोमोज वगैरह बनाना आना चाहिए, उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ये सैलरी रहेगी। कितनी? 12,000, 12,000 सैलरी रहेगी। प्लस इसके साथ में कंपनी क्या देती है आपको? फूड की फैसिलिटी, 3 टाइम इसमें खाना फ्री। आप वहां रहेंगे तो खाना तो खाएंगे, तो 3 टाइम इसमें आपको खाना फ्री दिया जाता है, अच्छे से दबा के खा के। इसके अलावा प्लस रहने की व्यवस्था फ्री, प्लस रूम की व्यवस्था फ्री, खाने की व्यवस्था प्लस रूम की व्यवस्था प्लस इसमें 6 महीने के बाद में, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद में आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होके जहां आपका जो है 12,000 मिल रहा है स्टार्टिंग में, वहां पे जो है आगे कंपनी आपकी जो सैलरी है 14,000 कर देती है। जस्ट आपको 6 मंथ्स के बाद में 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा कर देती है। अब इसमें बेनिफिट देखिए, एक तो आपका जो है फूड फ्री मिल रहा है, एक आपका रूम फ्री मिल रहा है,
एक आपका जो है 6 महीने के अंदर में जो है 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कर देती है सैलरी। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स है कि मान लो आप अगर जो है कहीं पे गांव में आपका काम हो गया कि सर जो है मुझे गांव जाना है, कुछ इमरजेंसी हो गया, और आपने उस कंपनी में उस रेस्टोरेंट में मिनिमम 6 महीना 6 महीना दे दिया है, 6 महीने से आप काम कर रहे हैं उस रेस्टोरेंट में, तो आपको एक महीने की छुट्टी फ्री मिलती है। 1 महीने की आपकी छुट्टी फ्री मिलती है। कहने का मतलब है कि 1 महीना आपको घर भेजने से लगाकर आने तक आपको 30 दिन की जो है सैलरी कंपनी आपको फ्री देती है। इसमें क्या देती है कंपनी? 30 दिन की सैलरी आपको फ्री देती है इस जॉब में। ये सिर्फ सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है ये सैलरी, और ये फैसिलिटी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। अब इसमें फ्रेशर की भी जरूरत है। अब फ्रेशर की जरूरत मैं बताऊं कि फ्रेशर की जरूरत इसमें रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी आपको वही मिलेगी जो मैं कल बोला था, स्टार्टिंग सैलरी 9,000, स्टार्टिंग सैलरी 9,000 प्लस सेम रूम फ्री प्लस तीनों टाइम फूड फ्री प्लस आफ्टर 6 मंथ आपका भी 2,000 रुपीज 2,000 रुपया इंक्रीजमेंट में मिलेगा। आपका 9,000 सैलरी रहेगी, रूम की फैसिलिटी फ्री रहेगी, खाने की फैसिलिटी फ्री रहेगी। आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद में आपकी सैलरी जो है 2,000 रुपीज इंक्रीज कर दी जाती है। तो 6 महीने के बाद में आपकी सैलरी हो जाती है 11,000 रुपीज 11,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाती है आफ्टर 6 मंथ्स। इसके अलावा जो मैं 12,000 वाले की जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की जो है सैलरी और बेनिफिट्स बताया था, सेम टू सेम बेनिफिट्स आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अगर आप उस कंपनी में 6 महीने दे देते हैं, 6 महीना काम कर लेते हैं, तो आपको 1 महीने की छुट्टी फ्री मिलती है। इसमें आफ्टर 6 मंथ्स आपको 1 मंथ्स की लीव फ्री, 1 महीने की छुट्टी फ्री आफ्टर 6 महीने। तो एक हिसाब से मान के चलिए 1 महीने की सैलरी आपका 6 महीने में होती है 11,000। ठीक है, कितनी हो गई? 11,000 हो गई आपकी 6 महीने की सैलरी। अगर 11,000 को 6 मंथ्स में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 महीने का कितना होता है पता आपको? कैलकुलेट करके देखिए आप एक बार। उसके हिसाब से फिर आपका जो 9,000 परसेंट टाइम की सैलरी है उसमें जो है मेंशन कीजिए कितनी होती है महीने की सैलरी। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है उसमें कि आपको मिनिमम 6 मंथ आपको उसमें काम करना पड़ेगा, मिनिमम 6 मंथ उसमें आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको फ्री मिलेगी। रूम तो आपको जो स्टार्टिंग में फ्री मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा फूड भी जो है आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 6 महीना मिनिमम करने के बाद, 6 महीना मिनिमम करने के बाद आपका जो है सैलरी भी इंक्रीज होगी। आपकी जो है 6 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी भी कंपनी की तरफ से फ्री दी जाएगी। लिमिटेड पोस्ट है ये, और ज्वाइनिंग इसमें जो है 1 तारीख से चालू हुआ है, 1/12/2022 एक तारीख से इसकी ज्वाइनिंग चालू होगी। तो जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा हम लोगों को व्हाट्सएप में हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन किचन स्टाफ लिख के भेज सकता है, या फिर वो बंदा डायरेक्ट कॉल कर सकता है, फोन कर सकता है। कॉलिंग का टाइम जैसे मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ कि कॉलिंग का टाइम जो रहता है वो कभी भी आप कॉल करें, कॉलिंग का टाइम सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे इसी के बीच में कॉल करें, सुबह 10 से लगाकर 5 में। नो संडे कॉल, नो सैटरडे कॉल।
संडे सैटरडे कॉल नहीं करें, आपका व्हाट्सएप से जो है 100% रिस्पॉन्स मिलता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट से आपको 100% रिस्पॉन्स मिलता है। तो गाइस एक और अच्छी जॉब थी आपके लिए, बहुत ही अच्छी हेल्पफुल जॉब, ये जॉब उन्हीं लोगों के लिए है, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ये जॉब उन्हीं लोगों के लिए है जो जॉबलेस है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस भरा पड़ा है और वो घर पे बैठे हैं, जिसके पास काम नहीं मिल रहा है वो घर पे बैठे हैं काफी टाइम से, वो लोग वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास काफी काफी ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, ऐसे कॉल आते हैं। कल मेरे पास एक बंदे का कॉल आया था, संडे को एक्चुअल में रिसीव नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि ऑफिस में फोन रहता, फिर भी हम लोग जो है ऑफिस ओपन करके मतलब कुछ काम था इसकी वजह से उसका फोन आ रहा था, रिसीव किए तो उसमें मैं देखता हूँ वो कैंडिडेट क्या बोलता पता है, सर बस 9,000 रुपये, मुझे तो बेंगलोर में जो है 10 साल हो गए, मुझे बेंगलोर में 10 साल हो गए, मुझे अभी जो सर जो है 22,000 मिल रहा है, कितना मुझे 22,000 मिल रहा है सर, आप जो जॉब बता रहे हो वो तो बहुत कम है सर, कौन करेगा ऐसी जॉब, क्या मतलब कौन करेगा ऐसी जॉब। तो मैं बोला एक काम कर भाई, तेरे पास अगर एक्सपीरियंस है तो मेरे पास 22 की जगह 30,000 वाली जॉब्स है, कितनी 30,000 वाली, मेरे पास 45,000 वाली जॉब्स है, 35,000 वाली भी मेरे पास जॉब्स है मार्केटिंग की, अगर तुमको एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का मिनिमम जो है उसमें 6 मंथ्स 6 मंथ्स 1 साल 2 साल अगर आपको एक्सपीरियंस है तो तू इस जॉब के लिए अप्लाई कर, मेरे पास रेज्यूम भेज, मैं तेरा 22 नहीं 30 45,000 दिलवाऊंगा। तो कैंडिडेट्स वो बंदा क्या बोलता पता है, सर एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है, मैं तो ऑलराउंडर हूँ मुझे सब कुछ आता है। तो कहने का मतलब है कि उसके बात करने के तरीके से ही पता चलता है, बात करने के तरीके से ही पता चलता है कि ये बंदा कहीं पर भी टिकने वाला नहीं है, इतना फास्ट फॉरवर्ड किसी को भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास मैं पहले बोला कि जॉब चल रही है चपरासी की, और आप अगर आप मास्टर की डिग्री लेके चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और बोलेंगे सैलरी कम है, तो गाइस मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जहां हम लोगों का और भी जॉब्स रहती है जो मास्टर लेवल की रहती है, प्रिंसिपल लेवल की रहती है, समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब है कि हाई सैलरी वाली जॉब रहती है आपके लाइफ आपके अकॉर्डिंग, वहां अप्लाई कीजिए, वहां उस जॉब के लिए फोन कीजिए कि सर ये जॉब मुझे करनी है, ये मेरे लायक है। ड्राइवर की जॉब में अगर कोई एरोप्लेन चलाने वाला आ जाए तो कैसा रहेगा, ऐसा नहीं, बिना फालतू का जो है आप कमेंट्स नहीं करें। और आजकल मैं देखता हूँ कि अपने YouTube चैनल पर भी एक दो कमेंट्स ऐसे आते हैं जो गाली गलौज भरे रहते हैं, और मैं जानता हूँ और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि वो कमेंट्स कौन करवाता है, कहाँ से आते हैं, कुछ ऐसे एजेंसी वाले रहते हैं जो उनको पैसा देते हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, हर जगह हम लोगों की कंपनी कैप्चर कर रही है, हर एक प्लेटफॉर्म जो है लेके आ रही है आप लोगों के लिए, तो उन लोगों को इतनी जेलस हो रही है कि वो लोग ऐसे कैंडिडेट्स को पैसा देते हैं और उनको बोलते हैं कि तू जाओ वहां पे उनके यूट्यूब चैनल पे ऐसे कमेंट्स कर। और इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं जो मेरे कंपनी के द्वारा कहीं पे भेजे जाते हैं, आफ्टर वो क्या करते हैं कि अपने मन मर्जी के हिसाब से वहां पे काम करते हैं तो कंपनी उसको निकाल दी जाती है, फिर वो लोग क्या करते हैं कि मेरे कमेंट्स में आके मेरे जो है यूट्यूब चैनल में आके पता नहीं मुंह मुंह से मतलब क्या क्या गाली वगैरह बोलते हैं, उनका बायोडाटा हम लोगों के पास है। कल भी एक हम लोगों का जो है सुनील कुमार करके कोई था बंदा, उसका पूरा बायोडाटा हम लोगों के पास है, कहाँ का है बंदा, उसका आधार कार्ड क्या है, उसका जो है घर एड्रेस वगैरह क्या, सब कुछ है हम लोगों के पास। हमारी कंपनी में कल उसको कॉल भी किया था, फीडबैक लेती है हमारी कंपनी और अच्छे से लेगी। तो गाइस रिक्वेस्ट आपसे कि ऐसा काम नहीं करें, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो देखें, अगर आपको काम पसंद आए तो जॉब के अप्लाई करें, कोई आपको कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे एनी टाइम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिलेगी, क्या रहेगी फ्री जॉब, जीरो प्रोसेसिंग चार्ज के, आपसे जो है ना यहाँ पे कोई भी एक भी रुपए लेने वाला नहीं है, पैसे के नाम पे जो है ना आप कहीं हम लोगों के पास पैसे के नाम पे हम लोगों के पास जॉब के नाम पे हम लोगों के पास एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और जहां हमारी कंपनी आपको आगे भेजती है, जहां आपका काम रहता है, वहां पर भी कोई भी एक रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वही बंदे इस जॉब के लिए अप्लाई करें, कॉल करें,
जिसको उसमें कुछ नॉलेज है, जो जो ब्लेस है और जो घर पे बैठे हैं वही बंदे हम लोगों को इस पे कमेंट्स करें, अन्यथा वीडियो नहीं देखे, वीडियो को लेफ्ट हो जाए। तो गाइस हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और कमेंट्स और लाइक करना कभी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।